Hello, students. In today's class, we are going to discuss the case studies related to chapter 1. Student, first of all, you all must know that how to understand the case studies. Okay, first of all, you have to read the case studies carefully. Just we are starting from that question number 10. The general manager, GM of Radha Swami Kids Wear Limited. मिसिस साहिल राधा स्वामी हैज़ डिवाइडिड ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिस कंपनी इंटू थ्री लेवल्स ही हैज़ डिवाइडिड द एम्प्लॉय थ्री लेवल्स एट द टॉप लेवल द जनरल मैनेजर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप लेवल में उसने जनरल मैनेजर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया मिडल लेवल पर उसने स्कोर किया ही इज अपॉइंटेड दिपार्टमेंट मैनेजर यहाँ पर हमारे आ गए डिपार्टमेंट मैनेजर्स अगेन स्टूडेंट्स एंड ऑन द अगेन द मिडल लेवल वर्क वर्क इज लुक्ड आफ्टर बाय फोर डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर परचेज मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर उसके बाद स्टूडेंट्स द लोअर लेवल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द वन ऑफ दी सुपरवाइजर ईच ऑफ फोर डिपार्टमेंट्स दी सुपरवाइजर लुक आफ्टर डेली एक्टिविटीज फॉर देयर सबॉर्डिनेट्स लोअर लेवल पे कितने की वन सुपरवाइजर तो वन सुपरवाइजर लोअर लेवल पे ठीक है स्टूडेंट्स दे ऑल्सो मेंटेन द फ्लो ऑफ इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर टू डिजायर आउटपुट्स Often it is observed that managers of all levels remain busy sometimes with the planning of their respective departments and sometimes with comparison of desired actual results. Similarly, sometimes they were busy of recruitment, selection, training of employees, and sometimes with the motivations. Mr. Sile, it is known very well that the job of management cannot be done by a single person alone. But when all join together, the meaning of management is released then why he makes his that this why he makes his efforts to effect coordination in the activities of all the employees. All the employees are working with team spirit. Now what you have to do in the above paragraph features of management have been described. Identify them by quoting the relevant lines and explain them. ओके स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव लर्न व्हाट यू हैव गॉट यू हैव इन द अब पैराग्राफ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन एक्सप्लेन आइडेंटिफाइ देम बाय कोटिंग द रिवेलेंट लाइंस एंड एक्सप्लेन इसमें हमें फीचर्स बताने हैं और कोटिंग द लाइंस सबसे इंपॉर्टेंट है कोटिंग द लाइंस लाइन्स ढूंढनी है जो इनको रिलेटेड करेगी ठीक है तो अब वो आपको कोटिंग द लाइंस पहले तो लाइंस ढूंढनी है कहाँ पर है कौन सी लाइंस हैं अब मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटीज है ठीक है अब ये लाइंस यहाँ से कोट होंगी ये लाइन मिस्टर साइल नो दैट द जॉब ऑफ द मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय सिंगल पर्सन दैट्सर मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट इज रिलीज ये हमारा किस पे है मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी पे आ गया अब नेक्स्ट है वन ऑफ द मैनेजर्स ऑल रेवल बिजी विथ समाज प्लानिंग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज तो मैनेजमेंट क्या है इट इज़ परवेसिव हर जगह ही मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है ठीक है दैट्स वाई इट इज परवेसिव अब अब मैनेजमेंट के और फंक्शंस कौन से हैं मल्टी डायमेंशनल्स अब um, मैनेजमेंट किसके द्वारा किया गया हो नॉट बाय सिंगल पर्सन मैनेजमेंट इज नॉट डन बाय सिंगल पर्सन ओके ये यहाँ पे तीन लेवल यहाँ वी आ, वी आर डिस्क्राइबिंग द थ्री लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट तो इन थ्री लेवल्स के बारे में यहाँ बात होगी तो अब उसमें स्टूडेंट्स क्या आगे आपका नेक्स्ट इसमें आ गया आपका अब ये हर लेवल पे यूज हो रहा है मैनेजमेंट तो दैट्स वाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस हर लेवल पे और टाइम टू टाइम हर जगह बिजी है ये देखिए ना सम लेवल तो आपको ये लाइन कोट्स करनी है ये एक अलग से क्वेश्चन आता है कोटिंग द लाइंस इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स ए वन मोर क्वेश्चन इज देयर दैट इज बेस्ड ऑन दैट अवर मैनेजमेंट एमसीक्यू फिलअप्स आप खुद कर लेना ठीक है स्टूडेंट्स एक केस स्टडीज और थी जो आई वांट टू डू यस आईड इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू देम टू परफॉर्म द टास्क असाइंड टू देम विच वन आइडेंटिफाइंग द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू दैम टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम भी किस में आएगा स्टूडेंट्स बोलो अभी देखिए अब तक हमने जो जब हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था उस टाइम मैंने इस क्वेश्चन के लिए बोला था क्लास में स्टूडेंट्स दैट वैन यू विल कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट या मीन्स पार्ट ए इन दैट केस यू आर एबल टू आंसर दैट तो मोटिवेटिंग कहाँ पे होती है एम्प्लॉज़ की और वो किस पार्ट कौन से मैनेजमेंट का पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ पर्सनल रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन किस में होता है स्टूडेंट्स यस दैट इज़ इन स्टाफिंग फाइंडिंग आउट डेफिशिय एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लांट्स डेफिशिय कहाँ पर चेक होती है स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग में कहाँ पर चेक होती है कंट्रोलिंग में वेरी गुड नेक्स्ट वन प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट अब जो प्लानिंग है उसे हम क्या बोलते हैं प्लानिंग इज द ब्लू प्रिंट प्लानिंग हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स ब्लू प्रिंट का काम करती है इज दैट क्लियर प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज टू एस्टेब्लिश अथियोरिटी रिलेशनशिप जहाँ पर हमारा ग्रुप एक्टिविटी होती है अथोरिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है वो कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स यस दैट इज ऑर्गेनाइजिंग तो ये भी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन दिस क्वेश्चन इज यू आर ओनली एबल टू अटैम्प्ट ओनली एंड ओनली एंड ओनली इन वट केस यस व्हेन यू हैव कम्प्लीटेड द ऑल फंक्शंस इन द फर्स्ट चैप्टर यू दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल फंक्शन वेट वैन यू कम्प्लीटिड द पार्ट वन इट इज इजी टू एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स Next one, students. Few more questions are related to that. This is our top-bottom level management. Next yes, students. Sana Limited is a company producing fans. The company profits are enough for the survival and growth. The management of the company believes that a satisfied employees create a satisfied customers. Who in turn create profiles that leads to satisfied shareholders? It pays competitive salaries and perks to all its employees. All the employees are happy and working in the organization because of personal growth and development. The company has a strong sense of social responsibility. It has set up an engineering college with one-third of the students of the girl whom give company gives a scholarship of 50%. Is the management of Sana limited fulfilling the all objectives? जस्टिफाई यू यस अब यहाँ पे सबसे में students पहले हमें स्टूडेंट्स पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट स्टूडेंट एज वी नो थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से, से. इसमें क्या आता है आपका सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी के लिए और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अपने एम्प्लॉयर्स के लिए सोचना अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सेटिस्फैक्शन देना अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देना उनको उनकी ग्रोथ करना उनका डेवलपमेंट करना ये सारा आता है तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फंक्शन कहाँ से ढूंढोगे आप देखिए यहाँ पे इसने बात किया स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एंड वर्किंग ये तो आ गया आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फिर स्टूडेंट इसमें क्या है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर है द कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट एनफ फॉर दिस सर्वाइवल एंड ग्रोथ तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारा प्रोवाइड प्रॉफिट भी आता है सर्वाइवल भी आता है और ग्रोथ भी आता है नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या आता है कंपनी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट हैज़ अप द इंजीनियरिंग कॉलेज वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स गिवन स्कॉलरशिप तो यहाँ पर वो क्या करता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करें तो इस तरह हमारे पे स्टूडेंट्स कौन कौन से आ गए फर्स्ट वन सेकेंड वन एंड दिस थर्ड वन ऑल ऑब्जेक्टिव आर अचीवड ऑल ऑब्जेक्टिव आर अचीवड क्लियर है स्टूडेंट्स इन दिस वे स्टूडेंट्स वी आर एबल टू डू दिट तो स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर की ये समरी है ठीक है इन टुमोरो क्लास वी विल ट्राई टू सॉल्व द केस दैम्पल पेपर दैट्स वन पार्ट ऑफ द सैंपल पेपर इन टुमारो क्लास वी विल डिस्कस द एम सी क्यूज ऑफ दैट सैंपल पेपर ओके यू हैव टू कम्प्लीट दैट सैंपल पेपर टू एनी डाउट स्टूडेंट्स एनी कन्फ्यूजन दैन यू कैन आस्क मी ओके प्लीज कीप इन टच विद मी this is a whole summary of the our chapter this is the definition of planning this is the level of the plan management this is the nature this is the functions and this is the features this is the importance okay in this way planning is divided sorry in this way management is divided Thank you students. Thanks a lot.